नमस्कार, मैं हूं शुभ और आप देख रहे हैं News4Nation। बिहार की पल पल बदलती सियासत में एक बार फिर से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार के सियासी गलियारों में दल बदल का सिलसिला काफी तेजी से देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में जेडीयू के पूर्व विधायक मंजीत सिंह अब आरजेडी का दामन थामेंगे। जी हाँ, 3 जुलाई की वो तारीख होगी जब अपने समर्थकों के साथ मंजीत सिंह, जो पूर्व विधायक हैं, वो आरजेडी का दामन थामेंगे। आपको बता दें कि मंजीत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी ज्यादा करीबी हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर उन्हें आरजेडी में नहीं जाने देना चाहते और इसके लिए उनकी तरफ से भरपूर प्रयास भी किए जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लेसी सिंह और अन्य विधायकों से इस बात की गुजारिश की है कि आप किसी भी तरह करके मंजीत सिंह को आरजेडी में जाने से रोक दे, मैं नहीं चाहता कि वो जेडीयू का दामन छोड़कर जाए। क्या कुछ खबर है, क्या जानकारी है, आपको विस्तार से बताते हैं। जेडीयू के पूर्व विधायक मंजीत सिंह अपने समर्थकों के साथ 3 जुलाई को राजद में शामिल हो जाएंगे। मंजीत सिंह ने 2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव से पटना आवास पर आकर मुलाकात की थी और 3 जुलाई को पूरे धमक के साथ आरजेडी में शामिल होने की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला और नीतीश कुमार के दिल्ली से पटना लौटते ही जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली, नीतीश कुमार परेशान हो गए। नीतीश कुमार ने मंजीत को रोकने के लिए पूरी टीम उतार दी है। नीतीश कुमार के जानने वाले बताते हैं कि मंजीत सिंह नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। नीतीश कुमार मंजीत सिंह को जेडीयू से जाने नहीं देना चाहते। नीतीश ने तुरंत मंजीत सिंह के करीबी नेता लेसी सिंह जय कुमार सिंह को निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी मंजीत सिंह से मुलाकात करें और उन्हें किसी भी कीमत पर जेडीयू से जाने नहीं दे। नीतीश कुमार के निर्देश पर मंत्री लेसी सिंह रातोंरात गोपालगंज में बैकंठपुर में मंजीत सिंह के आवास पर पहुंची, मंजीत सिंह को मनाने में लग गई। वहीं पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह, जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंजीत सिंह के रिश्तेदार राणा रणधीर सिंह भी गोपालगंज पहुंचे हैं और मंजीत सिंह तक नीतीश कुमार का संदेश देकर उन्हें राजद में शामिल नहीं होने पर राजी करने में जुट गए हैं। लेसी सिंह ने बताया कि मंजीत सिंह से मुलाकात हो गई है, थोड़ी नाराजगी है लेकिन मंजीत सिंह मान जाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने बताया कि मंजीत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नजदीकी रहे हैं और नीतीश कुमार के प्रति मंजीत सिंह का लगाव रहा है। थोड़ी बहुत शिकायत थी लेकिन मंजीत सिंह की शिकायत को दूर कर दी जाएगी, मंजीत सिंह जेडीयू से बाहर नहीं जाएंगे। दरअसल मंजीत सिंह की नाराजगी तभी से मानी जाती है जब 2020 में विधानसभा चुनाव में जेडीयू का टिकट उन्हें नहीं मिला और गठबंधन की वजह से बैकंठपुर की सीट भाजपा के खाते में चली गई, जिस पर मिथिलेश तिवारी ने चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें हार भी मिली। भाजपा उम्मीदवार के हार की वजह मंजीत सिंह ही बने, जो जेडीयू के बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ गए और लगभग 40,000 वोट लाकर चुनाव तो हार गए लेकिन उनकी वजह से भाजपा उम्मीदवार हार गया और राजद उम्मीदवार जीत गए। बावजूद इसके नीतीश कुमार से मंजीत सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें जेडीयू से अनुशासनहीनता के आरोप में नहीं निकाला गया। खबर ये भी आई कि मंजीत सिंह को भरोसा दिलाया गया है कि एमएलसी बनाया जाएगा लेकिन वो भी नहीं हुआ। मंजीत सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग ही रही है, उनके पिता के गोपालगंज की सियासत में अच्छी पकड़ थी, नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं। मंजीत सिंह भी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। विधानसभा सीट बैकंठपुर से विधायक भी बने लेकिन 2020 में जब उन्हें जेडीयू का टिकट नहीं मिला तो उनकी नाराजगी बढ़ गई। बहरहाल अभी तक मंजीत सिंह ने कुछ साफ नहीं किया लेकिन जेडीयू के सूत्रों के माने तो खुद नीतीश कुमार ने भी मंजीत सिंह से बात की है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि मंजीत फिलहाल जेडीयू में ही रहेंगे। तो बता दें कि जिस तरीके से बिहार की सियासत में दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है, ऐसे में मंजीत सिंह जो जेडीयू के पूर्व विधायक रहे हैं उनकी नाराजगी सामने आई है और उन्होंने साफ तौर पर ये बात स्पष्ट की कि 3 जुलाई को वो आरजेडी का दामन थाम लेंगे। लेकिन इन सब के बीच पूरी कोशिश, भरपूर कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके विधायकों की तरफ से कि किसी भी तरीके से मंजीत सिंह को नहीं जाने दिया जाए। ऐसे में बात बनी तो है या नहीं, इसकी चर्चा तो अभी नहीं हुई है लेकिन ये बात स्पष्ट तौर पर कही जा रही है कि अगर बात नहीं बनती है तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंजीत सिंह से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें जेडीयू की तरफ से टिकट नहीं दिया गया था, जिसके बाद से उनकी नाराजगी जाहिर की जा रही थी तरफ से। इसके अलावा एमएलसी की एक सीट देने की बात कही गई थी, वो भी उन्हें नहीं मिली और शायद यही वजह है कि उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर उनके आवास पर यह बात स्पष्ट की है कि अब वो आरजेडी का दामन थामेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि मान मनोबल के बाद मंजीत सिंह रुकते हैं या फिर तेजस्वी यादव के साथ हो लेते हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे News4Nation के साथ। नमस्कार।